गुड आफ्टरनून स्टैंडर्ड का ड्राइंग मटेरियल लेक्चर नंबर 28 है आज आपका। आज का लेक्चर हम आप फर्स्ट ईयर के लॉस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके पहले हम लोग पिछले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं और थोड़ा शॉर्ट नोट पर इसको पढ़ते हैं। डिटेल्स में पहले बता चुका गया है, तो आज सिर्फ शॉर्ट नोट में पढ़ेंगे हम इसको। अभी करंट लॉस के बाद हम लोग को ये पढ़ना है कि हर्टिसस लूप एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। इसमें बीएच कर्व भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में एक कर्व खींचा जाता है कि उसमें कर्व फंक्शन कैसा होता है। फिगर में जैसे दिखाया गया है आपको कि एक मैग्नेट लेते हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराते हैं और वो मैग्नेट हमारे जो होता है आपका, जैसे फर्स्ट वाले में आप देख लीजिए इसमें कैसे बताया गया है, ठीक है। का एक हम इलेक्ट्रिसिटी को जो हम प्रोवाइड कराते हैं किसी मटेरियल पे, हम ये मैग्नेटिक मटेरियल पे हम प्रोवाइड कराते हैं, तो वो क्या करता है, एक हर्टिसस लूप क्रिएट होता है, जिसमें क्या होता है आपका जो आपका जो क्रिएशन होता है इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है आपका धीरे धीरे अपवर्ड की तरफ होने लगता है। एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक सर्टन कंडीशन पे जाता है, जहाँ जिस स्टेट को हम बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। उस स्टेट पे अगर हम जितना भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट पे हो जाके वो सेम ही एक कॉन्स्टेंट ग्राफ आगे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है एक नियत नियत वेग से होता है, तो वहाँ पे उस स्टेट को हम बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। इसको हम डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि हम बता चुके हैं ऑलरेडी। वहाँ उसके बाद ये देखा गया जब हमने एक वोल्टेज को ज़्यादा प्रोवाइड कराया तो इसका रिवर्स फंक्शन एक हो जाता है उसी मटेरियल का, जहाँ पे सिचुएशन एक स्टेट से वो उल्टा रिवर्स की तरफ आना शुरू हो जाता है। जो सिचुएशन सिचुएशन स्टेट से रिवर्स की तरफ चलती है उस वहाँ से लेके जो जैसे ए से लेके बी तक का जो ब्लॉक है वो आपका कहलाता है रिटेंटिविटी, मतलब कि जो उल्टा वो जो उल्टी सिचुएशन वो आ रहा है उस वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो पोजिशन है वहाँ पे स्पीड जो है वो क्या करता है रिपल्स करते हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पे उल्टा सिचुएशन आएगा उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। इसके बाद हम देखेंगे वही कंडीशन आपके निगेटिव कर्व की तरफ भी चली निगेटिव पोजिशन की तरफ भी चली जाती है, यहाँ निगेटिव की तरफ या वहाँ निगेटिव पोजिशन पे भी हम एक हमको सेम तरीके का ही ग्राफ मिलता है, जहाँ निगेटिव पोजिशन पे भी हमको सैचुरेशन मिलता है। जो कंडीशन ऐसी आती है कि उसके बाद कोई भी मटेरियल को जितना भी वोल्टेज दिया जाता है वो उस वोल्टेज से अपनी जो इनिशियल कंडीशन है उसी कंडीशन पे रहता है, कोई अप डाउन का सिचुएशन वहाँ पे नहीं दिखाता, तो उस पर्टिकुलर स्टेट को हम सैचुरेशन स्टेट बोलते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में भी ऐसी कंडीशन होती है, उधर उसी स्टेट पे सैचुरेशन स्टेट पे ही हम जब मटेरियल को वोल्टेज देते हैं और तो वो क्या करता है अपने अपने उस वोल्टेज से फॉरवर्ड बायसिंग ना करके वो रिवर्स की तरफ फिर रोटेट करने लगता है, फिर जो कर्व हमारा पूरा तैयार होता है फर्स्ट कंडीशन से, मतलब ए से बी और बी से सी, सी से डी और ई और एफ, जो पूरा जो सिचुएशन क्रिएट होती है हमारी जो कर्व तैयार होता है वो हमारा कहा जाता है हर्टिसस लॉस कर्व, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज जो ध्यान देने की है वो ये है, जैसे सेकंड चीज लिखा था लूप इज जनरेटेड बाय द मेजरिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स बी फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। व्हाइल द मेजरिंग द फोर्स एच इज चेंज, ये कंडीशन किस में आती है, एक इसमें जो खास बात वो है वो आपकी क्या होती है डाइपोल्स की होती है कि डाइपोल का जनरेशन यहाँ पे कैसे होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपको पता है कि हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों ही तरीके की बायसिंग करता है और अपने सारे ही डाइपोल को एक डायरेक्शन में कर देता है जब हम उस पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। उसी कंडीशन में ये हमारा हर्टिसस लूप जो हमारा होता है ये मिलता है और यहाँ पे हमको सैचुरेशन स्टेट रिटेंटिविटी और कोहेसिव फोर्स ये चार पॉइंट हमको मिलते हैं, जिसकी डिटेल आपको मैं पिछले लेक्चर में बता भी चुके हैं फर्स्ट लेक्चर का हम लोग का जब उसमें हम ये चीज़ आपको बता चुके, तो आज का ज़्यादा डिटेल बताने का कोई उतना जरूरत नहीं है, तो शॉर्ट डिटेल पे हम उसको आपको बता दी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम वोल्टेज अप्लाई कराते हैं तो डाइपोल्स हमारे साथ एक डायरेक्शन में करते हैं, वहाँ पे क्या होता है डोमेन क्रिएट होता है। डोमेन जब क्रिएट होता है तो हर एक जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अपने जो डाइपोल्स होते हैं वो हर एक डाइपोल जैसे कि एक अगर मान लीजिए ये कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें एक चीज जो हमको मिलती है वो हमको होती है डोमेन ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक जो एटम होगा वो अपना एक डाइपोल अपने ही रीजन में बनाएगा, मतलब कि एक ही तरीके के सारे
सारे हमारे डाइपोल एक ही ब्लॉक में हमको मिलेंगे, एक ही ब्लॉक में हमको सारे डाइपोल मिलेंगे। अगर कोई एटम जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ है, राइट की तरफ है, तो वो जितने भी ऐसे एटम्स होंगे जिनका डाइपोल मोमेंट राइट की तरफ होगा, वो एक ही ब्लॉक में मिलेंगे। तो ये चाहे जो 4-5 ब्लॉक आपको दिखाया गया, ये सारे डोमेन्स कहलाते हैं। और इस जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो हम पर्टिकुलर एक डाइपोल की तरफ लगाते हैं। जो पर्टिकुलर एक डाइपोल की तरफ जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तो जितने भी अदर्स डाइपोल्स होंगे वो उसकी तरफ अलाइन करना शुरू कर देंगे, जिस तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लगी होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी होगी, जिसको हम खुद क्रिएट करके लगाते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी लगी होगी उसके तरफ मुड़ना शुरू कर देंगे। तो ये फिर पूरा सिचुएशन होगा, इसी सिचुएशन पे हमारा बी एच कर्व का प्लॉटिंग की जाती है। जैसे जैसा हमारा डाइपोल का मूवमेंट जाता है, एलाइनेशन इसका जिस तरफ से होता है, उस तरफ उसका उसकी ग्राफिंग की जाती है। जैसे हमने राइट की तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, तो राइट के जितने भी आपके डाइपोल्स होंगे, और जो अपोजिट डायरेक्शन के डाइपोल्स होंगे, वो भी राइट की तरफ अलाइन करेंगे, पर टोटली नहीं। मगर और जो राइट की तरफ डाइपोल होगा वो टोटली अलाइन करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जहाँ हम एफ से ए की तरफ जाते हैं, तो हमारा जो डाइपोल्स होता है, जो मोमेंट होता है उस एटम्स का, वो क्या होता है, हाईली बढ़ता जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जिसपे हम उसको, अगर मटेरियल को हम कितना भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसके बाद भी वो वहाँ से अपनी कंडीशन को अप या डाउन नहीं करते, सैचुरेट स्टेट पे ही रहता है वो आगे या पीछे नहीं होता, सैचुरेशन स्टेट पे ही रहता है। जब हम इस सिचुएशन पे देखते हैं, तो जब इसी चीज़ का होता है, जब हम उसमें एक्सटर्नल फील्ड लगाए थे, तो एक कंडीशन देखी गई, यार मैग्नेट को सीधे कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ना चाहिए था, पर वो ऐसा ना करके क्या करता है, वो एटम जो होते हैं रिवर्स बायसिंग की तरफ आ जाते हैं, रिवर्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या होता है, इनके अंदर ये कमी देखी गई थी, इसको रिटेंटिबिलिटी बोलते हैं। उस मतलब ए से बी के अंदर जो वो पोजिशन आती है उसको हम रिटेंटिबिलिटी बोलते हैं। और इस रिटेंटिबिलिटी के बीच से और बी से सी के बीच जो हमारा फोर्स लगता है, इसके बीच वो हमारा कहलाता है कोरोसिव फोर्स। ऐसी ही कंडीशन आपके जब हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखी थी, मतलब कि ग्राफ के फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, वही सेम पोजीशन हमने उसके रिवर्स डायरेक्शन में भी देखी थी, जिसमें उसके रिवर्स डायरेक्शन में भी दिखाई, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट होती है कि रिवर्स की तरफ यहाँ सिचुएशन स्टेट हमको मिलती है। इस स्टेट पे हमको या तो एटम्स को कॉन्स्टेंटली आगे की तरफ जाना चाहिए था, मगर वहाँ पे वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर कंडीशन पे भी जब एटम पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई थी, तो वो क्या करता है, रिवर्स की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे भी हमको एक जो ये डी से ई का जो सिचुएशन स्टेट है, यहाँ पे भी हमको कोन फोर्स मिलता है, उसको हम बोलते हैं कोरोसिव फोर्स। और इसकी रिटेंटिविटी डी ई से एफ की होती है, ठीक है। तो ये पूरा जो डायग्राम आपका होता डायग्राम होता है, ये जो पूरा डायग्राम आपका होता है, इसको हम बोलते हैं बी एच कर्व। और सारे सारे जो टर्म्स हो, तो उसको हमने आपको डिफाइन कर दिया, और इसको कम्प्लीटली डिफाइन भी किया गया था कब, फर्स्ट लेक्चर में। तो आप वहाँ से भी इसके लेक्चर को आराम से देख सकते हैं, बट वहाँ से पता कर जानकारी और ले सकते हैं। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था हायर जीसस लॉज। अभी तक में जितना आपको पढ़ाया गया, एक बार बस उसको क्विक रिपीट आपका रिवर्स करते हुए चलते हैं। लास्ट टॉपिक आपका था हायर जीसस लॉज। इसके बाद सेकंड चीज जो आपने इसमें पढ़ी थी, मतलब कि अप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स पढ़ा था, कि एडी करंट कैसे डेवलप हुई रहती है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। फोर्थ टॉपिक जिसमें आपने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट आपने पढ़ा था, इसके अंदर कैसे डेवलप होता है मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर। परमेबिलिटी आपने पढ़ रखी है, इसकी परमेबिलिटी कैसे हम चेक करते हैं किसी मटेरियल की, मैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी कैसे चेक की जाती है। ये पांच ये टॉपिक जो आपके लिए सिलेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें आपको बता दिया गया था परमेबिलिटी हो गया, मैग्नेटाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर्व हो गया, मैग्नेटिक कर्व हो गया, हार्ड फेरिट क्या होते हैं और सॉफ्ट फेरिट ये भी बता दिया गया है, एलिनिको बता दिया, कंपाउंड कैसे होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स में, जो हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को मिला के बनाते हैं एक मैग्नेट, उसमें का एक फॉर्म है ये एलिनिको। कोबाल्ट स्टील भी बता दिया गया है,
सारे टॉपिक्स कवर अप हो गए हैं। टंगस्टन स्टील को कैसे मैग्नेट की तरह यूज़ करते हैं और कार्बन स्टील को मैग्नेट की तरह कैसे यूज़ करते हैं और किस सॉफ्ट मैग्नेट में आते हैं या हार्ड मैग्नेट में आते हैं, सारे एप्लीकेशन भी आपको बता दिए गए थे। एप्लीकेशन हार्ड मैग्नेट मटेरियल भी बता दिया गया था। हाँ चला गया। नॉन ओरिएंटेड नॉट ग्रिड ओरिएंटेड शीट के बारे में बताया गया था। एक टॉपिक आपको बता देना है कि सारी चीज़ें कवर अप हो गई हैं हम लोग की। वीडियो देखते रहिएगा तो वीडियोज में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। कोल्ड रोल ड्रिंक ओरिएंटेड शीट के बारे में बताया गया था। सिलिकॉन आयरन एलॉय के बारे में बताया गया था। मेटल मेटल की प्रॉपर्टी हो गई थी, कैसे होते हैं क्या होते हैं, टाइप्स कवर अप हो गया था, एडवांटेज और डिसएडवांटेज कवर अप उसके हो गए थे। तो ये चैप्टर काफ़ी टॉपिक था और रिवोटेड में बता भी दिया गया था पहले, तो फिर आज शॉर्ट नोट पे इसको बताया। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कैसे काम करते हैं ये बता दिया गया है। तो सारी क्यूरी विसल लॉ भी बता दिया गया था कि कौन क्यूरी विसल लॉ या क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं लॉ है, ये किस स्टेट पर होता है बता दिया गया था। जब एरोमेटिक मटेरियल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपनी स्टेबिलिटी को बदल के डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक तरफ जाता है, उस स्टेट पर जो टेम्परेचर होता है उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पूरा डिटेल बता दिया गया है। ये चैप्टर कवर अप हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो अब इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। आज 5 या 10 मिनट का वीडियो था इसका, उसी को कवर अप किया गया है 5 या 10 मिनट का। तो नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू होगा इंसुलेटर आपका, कनेक्टिंग मटेरियल या इंसुलेटर में इसको ये चैप्टर शुरू होगा, उसको देखिएगा, उसमें डिटेल्स हैं वो उसके बारे में पढ़ा जाएगा कि क्या होता है कनेक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। जैसा कि उन्होंने इस तरह से मटेरियल पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ ली कि मैगनेट कैसे आया, सेमी कंडक्टर मटेरियल्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। तो अब हम लोग को जो पढ़ना है वो हमारे दो चैप्टर्स और हमारे बचे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स भी आप पढ़ चुके हैं, दो चैप्टर बचे हैं, कंडक्टिव मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल। अब यही दो चैप्टर के बाद आपका पूरा सब्जेक्ट फिनिश अप हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। न्यू नया वीडियो आएगा उसको देखिएगा, उसमें पढ़िएगा कंडक्टिव मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल्स कैसे वर्क करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या कंडीशंस हैं, कब कब करंट सप्लाई होगी, कब नहीं होगी, कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा, करेक्टर्स उनके कैसे होंगे, रेजिस्टिविटी उनकी क्या होगी, वहाँ पे उस कंडक्टिव मटेरियल की मैटिक प्रॉपर्टी अगर है तो कैसी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको नए वीडियो में पढ़ने को मिलेगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।